नमस्कार, लेबर लॉ अवेयरनेस में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं कुछ कामों में व्यस्त था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पर लगातार वीडियो आए और आपके जितने भी सवाल होंगे लेबर लॉ से संबंधित उस पर Q&A वीडियो भी आया करेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे से आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। तो आइए आज के टॉपिक को जानते हैं। आज हम जानेंगे कि लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के आदेश को लागू कैसे करवाते हैं, क्योंकि कोई भी आदेश ऑटोमेटिक तो लागू होगा नहीं। तो देखिए, जब भी आप लेबर कोर्ट में केस करते हैं और फैसला आपके फेवर में आता है, तो फैसला आने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेशन बनाना है अपने एम्प्लॉयर के नाम से, यह लिखते हुए कि ऐसा ऐसा लेबर कोर्ट का आदेश है, आप उसे कृपया लागू करें। और उस रिप्रेजेंटेशन में उस आदेश की छाया प्रति को लगाकर उसका 2 सेट तैयार कर लें। अगर आपको यह नहीं पता कि यह रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब आपको इस रिप्रेजेंटेशन को अपने एम्प्लॉयर को रिसीव करवा देना है और उसकी रिसीविंग को अपने पास रख लेना है। और अब आपको 10 से 15 दिनों तक इंतजार करना है और देखना है कि आपका एम्प्लॉयर आपको कोई जवाब देता है या नहीं। अगर वह जवाब दे रहा है तो क्या जवाब दे रहा है, और उसके बाद भी वह लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के आदेश को लागू नहीं करता है, तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इसको हम अपने आने वाले वीडियो में जानेंगे कि उसे किस प्रकार से लागू करवाना है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में उसके क्या प्रावधान है।